नमस्कार, सिल्क टीवी के साथ मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। अब आप सिल्क टीवी की सारी खबरें मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा, 8 वर्षीय बच्चे की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। कबीरपुर मैदान के समीप झाड़ी में हुआ बम विस्फोट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चुनाव को लेकर डीजीपी ने वरीय अधिकारियों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दिए कई दिशा निर्देश। भागलपुर समाहरणालय परिसर में आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए जोनल आईजी सहित कई पुलिस अधिकारी। डीजीपी और आईवी अधिकारियों ने दिए सुरक्षा संबंधित कई निर्देश, सभी अधिकारियों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चुनाव के दौरान नेताओं की रैली की सुरक्षा होगी सख्त, डीजीपी ने दिया निर्देश। डीएम ने लोकसभा चुनाव को लेकर कोषांग का किया गठन, एक अधिकारी को कई कोषांगों का सौंपा प्रभार। अधिकारियों के तबादला के साथ नए सिरे से कोषांग का गठन, समय से पहले चुनाव की तैयारी पूरी करने का दिया निर्देश। भागलपुर में दूसरे चरण में होगा लोकसभा चुनाव, 19 मार्च से होगा नामांकन। होली से पहले भागलपुर पहुंचेगी पारा मिलिट्री फोर्स, संवेदनशील स्थानों पर होगी तैनाती। रमजान महीने में मतदान पर मचा घमासान, शाहनवाज ने कहा इस विषय पर कोई विवाद नहीं। स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई बैठक, आयुक्त ने स्मार्ट सिटी योजनाओं को जमीन पर उतारने का दिया निर्देश। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल हुए अधिकारी, स्मार्ट सिटी योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद रतन ठाकुर के परिजनों को 5 लाख देगी दवा कंपनी, कंपनी के चेयरमैन ने रतन ठाकुर की शहादत को किया सलाम। भागलपुर कृषि भवन परिसर में 2 दिवसीय कृषि मेला का हुआ समापन, किसानों ने जमकर की कृषि यंत्रों की खरीददारी। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर लगा लंबा जाम, घंटों यातायात रहा बाधित, राहगीर परेशान। कोसी नदी में डूबने से छात्र की मौत, घर में पसरा मातम, नवगछिया नारायणपुर की है घटना। बुधवार से भागलपुर रेलवे स्टेशन से 15 मार्च तक नहीं चलेगी 3 पैसेंजर ट्रेनें, यात्रियों को करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। पेपरलेस होगा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, नामांकन से लेकर रिजल्ट तक का कार्य होगा ऑनलाइन। छात्रों से संबंधित सभी जानकारी नेट पर होगी उपलब्ध, डिग्री के लिए नहीं लगाना पड़ेगा विश्वविद्यालय का चक्कर। पुलिस और महिला के बीच हुई झड़प में महिला की मौत, परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर लगाया गंभीर आरोप। गिरफ्तारी के लिए कालगांव सलेमपुर पहुंची थी पुलिस, पति की गिरफ्तारी रोकने के लिए महिला ने पुलिस से की थी हाथापाई। कहलगांव सनोखर में श्रीमद भागवत कथा का हुआ शुभारंभ, ग्रामीणों के द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। नाथनगर में अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों का दुकानदारों ने किया विरोध, होली के बाद दुकान हटाने की लगाई गुहार। ऐसा हुआ AISF के द्वारा विश्वविद्यालय के खिलाफ निकाला गया प्रतिवाद मार्च, स्पेशल एग्जाम कराने की रखी मांग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।